आईपीएल 2024 से पहले आईपीएल का ऑक्शन हुआ, जिसमें टीमों ने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए की बरसात तो की, साथ ही साथ विदेशी खिलाड़ियों को खरीदने की होड़ भी देखी गई। इस बीच अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को भी खरीदा गया, करोड़ों रुपए उन पर भी लगाए गए, उन्हें भी फ्रेंचाइज टीम का हिस्सा बना दिया। लेकिन अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आईपीएल टीमों को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ियों पर 2 साल का बैन लगाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से वो 3 खिलाड़ी किसी भी लीग, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। सीधी सी बात ये है कि उन्हें NOC देने से इनकार किया गया है। अब वो 3 खिलाड़ी कौन है? वो 3 खिलाड़ी हैं मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी और नवीन उल हक। नवीन उल हक तो ऑक्शन में नहीं थे क्योंकि उन्हें रिटेन किया गया था लखनऊ द्वारा, लेकिन मुजीबुर रहमान और फजल हक फारूकी, इन दोनों खिलाड़ियों को ऑक्शन में करोड़ों रुपए के साथ खरीदा गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 करोड़ रुपए में जहां मुजीबुर रहमान को खरीदा, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने फजल हक फारूकी को खरीदा था। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2024 से लागू करने का फैसला किया। अब इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने टीम के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर दिया और फ्रेंचाइज में खेलने के लिए NOC मांगी। यानी कि इन खिलाड़ियों ने नेशनल टीम के लिए खेलने की बजाय अपने बोर्ड से अलग अलग फ्रेंचाइज, अलग अलग लीग में हिस्सा लेने के लिए NOC मांगी। अब इस बात पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से भड़कता हुआ दिखाई दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की माने तो ये तीनों खिलाड़ी नेशनल टीम की बजाय विदेशी लीग को तवज्जो दे रही हैं, इसके लिए इन्हें 2 साल तक बैन किया जाएगा। बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि खिलाड़ियों ने कमर्शियल लीग में हिस्सा लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया था, उन्होंने अफगानिस्तान के लिए खेलने की बजाय अपने हितों को प्राथमिकता दी जो उनके नेशनल ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। इस कारण अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा इन खिलाड़ियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। अगर ये तीनों खिलाड़ी अगले साल IPL में नहीं खेलते हैं तो इन तीनों फ्रेंचाइज को काफी नुकसान हो जाएगा। बता दें कि जहां फजल हक फारूकी और उनके साथी खिलाड़ी मुजीब को ऑक्शन में खरीदा गया था, तो वहीं नवीन उल हक को लखनऊ द्वारा रिटेन किया गया था। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला लेता है और आगे क्या BCCI रिक्वेस्ट करेगा ताकि इन तीनों खिलाड़ियों को IPL खेलने दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।